पहले मैंने आपको ब्रिटा के बारे में बताया था और ब्लॉग भी था कि वो पीस खराब कर वॉर लो। का है ये। अब रशियन पीस वॉर कौन ट्राई कर लोड है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं एक बार फिर आपके लिए दर आदम खेल बाज़ार में मौजूद हूँ। इस वीडियो में मैं यहाँ पर जैसा मैंने पहले अपनी पिछली वीडियोस में आपको मुख्तलिफ़ किस्म का असलहा दिखाया है, आज भी यहाँ पर मैंने आकर दो किस्म के पहले 30 बोर में पिस्टल चूज़ किए हैं। एक चाइना मेड है और एक रशियन मेड है। दोनों की क्वालिटी देखते हुए मैंने यही सोचा है कि मैं ये दोनों पिस्टल ट्राई करूंगा और इसके बारे में मैं आपको अपना रिव्यू दूंगा। दोस्तों बज़ाहिर देखते हुए रशियन 30 बोर बहुत पायदार महसूस हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूँ कि 9 mm और जो 30 बोर के पिस्टल होते हैं उसमें फ़र्क ये होता है कि 9 mm में आप 14 गोलियाँ आप लोड कर सकते हैं, जबकि 30 बोर में आप सिर्फ 7 गोलियाँ लोड कर सकते हैं। इन पिस्टल्स के साथ साथ मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर एक बार फिर दरा मेड क्लाशनकोफ चूज़ की है और इसमें आप देख रहे हैं कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के बुलेट्स फाइनल कर रहे हैं, जो कि 30 बोर रशियन मेड, चाइना मेड और इवन इसके साथ साथ ब्रीटा भी मैंने चूज़ किया है कि ब्रीटा को भी दोबारा ट्राई करूँगा। और जो हमारी क्लाशनकोफ हमने सेलेक्ट की है यहाँ की, उसकी भी बुलेट्स मैं ले रहा हूँ। और अब हम जाकर जो ट्राई एरिया है वहाँ पर हम चलते हैं और वहाँ पर जाकर मैं फायर करके आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप की ये पिस्टल। दोस्तों इस दरा बाज़ार में आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे असलहा के कारखाने बने हुए हैं। इन शॉप्स में जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर किसी शॉप पर बुलेट्स बनाई जा रही हैं, किसी में पिस्टल की बैरल्स वगैरह बनाई जाती हैं, किसी में क्लाशनकोफ के कुछ पुर्जे बनाए जाते हैं। इसी तरह पूरे मार्केट इन शॉप से भरी हुई है। दोस्तों अब हम ट्राई एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपने मुख्तलिफ वीडियोस में मेरी देखा होगा कि बाज़ जगहों पर हमने ओपन जाकर फायरिंग की थी। अब ओपन के साथ साथ इंडोर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और इंडोर में ही वो प्रेफर करते हैं कि सेफली यहाँ पर रेत या इस तरह की कुछ चीज़ें रखी जाएं और उसमें फायर करके टेस्टिंग की जाए। लेकिन अगर आप अपने निशाना को चेक करना चाहते हैं तो फिर ओपन जाकर ही ट्राई करना पड़ता है। सबसे पहले जहाँ पर जिन लोगों ने टेस्टिंग की है, आप देख सकते हैं कि बहुत से बुलेट्स पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये वो बुलेट्स हैं जो हम लेकर आए हैं और अभी हम ट्राई करेंगे। ये सबसे पहले आप मेरे हाथ में ब्रीटा पिस्टल देख रहे हैं और जो कि मुझे मेरा फेवरेट पिस्टल है और यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। जब हम अब ये लोडेड है और हम इसको ट्राई करने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए पहले हम सामने रेत में एक निशाना फिक्स कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसी निशाना को हिट करें। दोस्तों यहाँ पर इर्द गिर्द जो पहाड़ियाँ हैं, आप उन पहाड़ियों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग टेस्टिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर आवाज़ें मुसलसल आती जाती हैं। ये आप देख रहे हैं कि मेरे सामने मुझसे पहले जो आए हुए थे साहब, वो डायरेक्ट अपने असलहा को ट्राई कर रहे हैं। इनके पास भी क्लाशनकोफ है यहाँ की बनी हुई और वो सामने रेत में ही इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। जी, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रीटा से हमने अपनी टेस्टिंग का आगाज़ किया है और अब हम ब्रीटा से जो निशाना हमने फिक्स किया था उसको हम हिट कर रहे हैं। पहले मैंने आपको ब्रीटा के बारे में बताया था और ब्लॉग भी था कि 30 बोर का है ये। अब रशियन 30 बोर कौन सा है? दोस्तों यहाँ के ब्रीटा के साथ साथ रशियन 30 बोर जो बना हुआ है, ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत पावरफुल है और आपको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ क्लाशनकोफ तो यहाँ की है ही है, उसे भी ट्राई कीजिएगा।